माय गुडनेस को फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू देने जा रही हूँ इस बायोटिक बायो काजल के ऊपर। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट हॉल वीडियो में बायोटिक के कुछ प्रोडक्ट आपके साथ शेयर किए थे, तो उनमें से मैं सबसे पहले आज रिव्यू देने जा रही हूँ इस काजल के ऊपर। और वीडियो के एंड में मैं ये भी शेयर करूंगी कि बायोटिक काजल और पतंजलि के काजल में आखिर में क्या है डिफरेंस, क्योंकि पतंजलि का काजल भी है एक हर्बल काजल और बायोटिक का काजल भी है हर्बल काजल, तो इन दोनों के बीच में भी मैं आज करूंगी कंपैरिजन। सो प्लीज गाइस, लेट्स स्टार्टेड। सो ये है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो काजल फॉर मैजिकल आईज। और स्पेशली ये क्लेम करते हैं कि 100% बायोटिकल एक्सट्रैक्ट। और ये है सुप्रीम ब्लैक काजल विच नरिशिंग एंड कंडीशनिंग काजल विद आलमंड ऑयल। सो इसमें आलमंड ऑयल का भी यूज़ किया गया है। और ये है इसकी आउटर पैकेजिंग और ये 3 ग्राम की है इस काजल की क्वांटिटी। और आप देख सकते हो इसका प्राइस है 109 रुपीज़ और शेल्फ लाइफ भी है 3 ईयर्स की। और इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ किया गया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंशन है कि बादाम का तेल, बहरा फ्रूट, हरर फ्रूट, आंवला फ्रूट, मलेठी, कपूर ऑयल, अंजन पाउडर, काजल पाउडर एंड ऑन्टीमेंटन बेस। सो यही इन्ग्रीडियंट्स हैं जिनका यूज़ इस काजल में किया गया है। तो आप कह सकते हो ये है एक केमिकल फ्री आयुर्वेदिक काजल है ये। तो अब मैं इसको अपनी आईज़ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो प्लीज़ गाइस कीप वॉचिंग। सो सबसे पहले अगर हम इसकी इनर पैकेजिंग की बात करें तो ये आता है इस तरह से ट्विस्टेड बुलेट की फॉर्म में, तो शॉप करने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम इसके लॉक की बात करें तो इसका ट्विस्टेड लॉक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये है एक पॉइंटेड काजल है ये, जब ये नया होता है बट धीरे धीरे फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर हम इसके टेक्स्चर की बात करें तो आप देख सकते हो कि एक ही स्वाइप में मिलता है एकदम से जेट ब्लैक कलर। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्मूथली और इजीली आपकी आईज पे हो जाता है ग्लाइड। ये नहीं कि आपको 3-4 बार स्ट्रोक अप्लाई करना पड़ता है, जस्ट एक ही स्ट्रोक में आपको मिलता है हाईली पिगमेंटेड जेट ब्लैक कलर। तो आप देख सकते हो मेरे दोनों आईज में डिफरेंस, जस्ट मैंने एक ही स्ट्रोक अभी अप्लाई किया है इस काजल का। और इसको मैं एज ए आई लाइनर भी यूज़ करके देखूंगी कि क्या है इसका रिजल्ट। तो मैं इसको एज ए आई लाइनर भी यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है ये बायोटिक का काजल। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस काजल को अपनी आईज़ पे अप्लाई कर लिया है। तो मैंने अप्लाई किया है, टाइम हुआ है, आप देख रहे हो कि जैसे टाइम हुआ 6 बजे हैं शाम के, तो मैंने 6 बजे इस काजल को अपनी आईज़ पे अप्लाई किया है। तो देखते हैं कितनी देर में ये होता है स्मज। तो रात के 9 बज गए हैं और ये मेरा काजल आप देख सकते हो लोअर लैशेस पे ये स्मज होना स्टार्ट हो गया है। तो आप कह सकते हो कि जो स्मजिंग पावर है वह 2 आवर्स ही है, बट ऊपर से स्मज नहीं हुआ। बट बाई चांस अगर आप अपनी आईज इस तरह से रब कर लेते हो तो आप देख सकते हो कि आपका काजल किस तरह से स्मज हो जाएगा। सो ओवरऑल गाइस, अगर हम इस बायोटिक बायो काजल के रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये है एक हाईली पिगमेंटेड जेट ब्लैक नॉर्मल काजल। तो मैं इसको नॉर्मल काजल इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये काजल ना तो वाटरप्रूफ है और ना ही स्मज प्रूफ है। बट इसके लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल भी क्लेम नहीं करती कि हमारा काजल वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है। क्योंकि अक्सर जब भी हम किसी काजल को परचेज करते हैं तो वहां पे उनकी पैकेजिंग पे, आउटर पैकेजिंग पे स्पेशल मेंशन किया होता है कि वाटरप्रूफ है ये काजल, ये स्मज प्रूफ है काजल। बट कई बार यूज करने के बाद उनके क्लेम्स 100% वर्क नहीं करते, वो काजल स्मज प्रूफ और वाटरप्रूफ नहीं निकलते। बट इसकी अच्छी बात ये है कि इन्होंने बिल्कुल क्लेम नहीं किया कि ये काजल वाटरप्रूफ है या स्मज प्रूफ है। बट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने इस काजल को स्मज प्रूफ कैसे बना सकते हो। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि आप किसी भी काजल को स्मज प्रूफ कैसे बना सकते हो। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो मिस किया देन आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो मेरा जरूर देखें और इस काजल को भी आप बनाएं स्मज प्रूफ। इस काजल को यूज करने का एक और मेथड है, वो ये है कि आप इस काजल की हेल्प के साथ इजीली अपना स्मोकी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि आप काजल की हेल्प के साथ जस्ट इन 1 मिनट में ही अपना स्मोकी आई लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उस टाइम पे इस काजल का यूज कर सकते हो क्योंकि इस काजल की हेल्प के साथ आप जस्ट इन सेकेंड्स में ही स्मोकी लुक अपना क्रिएट कर लोगे। तो आप इस वीडियो पे जरूर क्लिक करके देखें कि स्मोकी लुक कैसे क्रिएट करते हैं काजल की हेल्प के साथ। सो ये है इस काजल को यूज करने के डिफरेंट
डिफरेंट मेथड। तो इन मेथड की हेल्प के साथ आप अपने इस काजल को स्मज प्रूफ भी बना सकते हैं और इसको स्मोकी लुक क्रिएट करने के टाइम भी इस काजल का यूज कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस काजल को परचेज करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि ये ना तो वाटर प्रूफ है और ना ही स्मज प्रूफ है। बट इस काजल को परचेज करने का ये बेनिफिट है क्योंकि ये है 100% केमिकल फ्री हर्बल काजल, तो इसमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया गया। तो यही रीजन है कि ये स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये है 100% केमिकल फ्री काजल, क्योंकि केमिकल्स ही आपके काजल को स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ बनाते हैं और इसमें सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। तो आप कह सकते हो कि ये काजल आपकी आईज को अच्छी तरह से नरिशिंग और कंडीशनिंग का भी काम करता है आपकी आईज के लिए। तो इसका बेस्ट यूज ये है कि आप इस काजल को अपनी आईज पे रात को भी अप्लाई करके सो सकते हो। तो इस काजल को लगाने का बेनिफिट ये होगा कि जिन लोगों की आई लैशेज की ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है, उनकी आई लैशेज थिक नहीं है, बहुत ज्यादा पतली है, तो उनके लिए बेस्ट है कि ये बायोटिक का हर्बल काजल, तो आप इस काजल का यूज कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बायोटिक बायो काजल और पतंजलि के काजल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों है हर्बल और 100% केमिकल फ्री काजल, बट इन दोनों में भी है एक मेजर डिफरेंस जो आज मैं आपके साथ शेयर। सबसे पहले अगर इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो दोनों में आप देख रहे हो कि हर्बल इंग्रेडिएंट्स का ही यूज किया गया है और दोनों में कॉमन यूज किया गया है आंवले का, आलमंड ऑयल का और भेड़ा का। तो ये तीनों है कॉमनली इंग्रेडिएंट्स जिनका इनमें यूज किया गया है और दोनों की स्टेइंग पावर भी है सेम। तो अगर टेक्सचर की वाइज कंपेयर करें तो बायोटिक काजल एक ही स्वाइप में आपको देता है एकदम से जेट ब्लैक कलर और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बट पतंजलि का काजल इतना ज़्यादा क्रीमी नहीं है और इसका कलर है लाइट, इतना ज़्यादा ये जेट ब्लैक कलर नहीं है पतंजलि का काजल एक ही स्वाइप में। तो आप देख सकते हो डिफरेंस। तो अगर स्मजनेस की बात करें तो पतंजलि का काजल रब करने पर इतना ज़्यादा स्मज नहीं होता, बट बायोटिक का काजल अगर बाई चांस आपकी आईज पे रब कर लेते हो आप तो ये इस तरह से इतना ज़्यादा स्मज हो जाता है कि आपकी पूरी आईज हो जाती है ब्लैक। तो मैं एक आई पे अप्लाई करूंगी ये पतंजलि का काजल, तो आप देख रहे हो कि मुझे 3-4 बार स्ट्रोक लगाना पड़ रहा है तो आपको मिलता है ब्लैक कलर। तो ये है पतंजलि का काजल जो मैं अप्लाई कर रही हूँ और मैं दूसरी साइड पे अप्लाई कर रही हूँ बायोटिक का काजल। इसको आपको बार बार स्ट्रोक नहीं लगाना पड़ता, जस्ट आप देख रहे हो कि एक स्ट्रोक में ही आपको मिल रहा है नाइस पिगमेंटेड जेट ब्लैक कलर। तो ये है दोनों में मेजर डिफरेंस इनकी पिगमेंटेशन में। तो एक साइड पे मैंने अप्लाई किया है पतंजलि और एक साइड पे अप्लाई किया है बायोटिक का काजल। आज की वीडियो इस बायोटिक बायो काजल के ऊपर, एंड आई होप आज का वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि हमें पतंजलि का हर्बल काजल परचेज करना चाहिए या बायोटिक का हर्बल काजल परचेज करना चाहिए। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।